जय हिंद दोस्तों आज से थीम सीरीज़ के एनसीईआरटी के शुरुआत करेंगे हम लोग तो क्लास अलेवेंथ और ट्वेल्थ की न्यू वाली एनसीईआरटी हिस्ट्री को थीम सीरीज कहा जाता है और मेनली तीन बुक्स इसमें आपको देखने को मिलेंगी हालांकि अलेवेंथ क्लास में वर्ल्ड हिस्ट्री की भी बुक आती है और इस लेकिन हमें मेनली तीन बुक्स यहाँ पर डिस्कस करना है एनशेंट मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए तो देख लेते हैं पहले कंटेंट को देखिए पार्ट वन में यहाँ पे चार थीम देखने को मिलेगी पहला है ब्रिक्स बीड्स एंड बोन्स यानी बेसिकली हरप्पन सिविलाइजेशन तो हरप्पन सिविलाइजेशन काफी डिटेल में दिया गया अराउंड ट्वेंटी सेवन पेजेस हैं यहाँ पे और इसके बाद थीम टू में किंग फार्मर एंड टाउन यानी 600 हंड्रेड बी सी ई से लेकर सिक्सथ सेंचुरी तक हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से क्या क्या सोशो रिलीजियस कंडीशन थी या किस तरीके की बेसिकली हमारी सभ्यता थी इसके बाद हम लोग बात करेंगे थीम थ्री में किनशिप कास्ट एंड क्लास की यानी एयरली सोसाइटीज़ किस तरीके से थी ये सिक्स सेंचुरी बी सी से लेकर अगेन सिक्स सेंचुरी ए डी तक और इसके बाद देखिए ये हमारी पार्ट वन रहेगी पार्ट टू में अगेन थीम फाइव में हम लोग बात करेंगे ट्रेवलर्स की आईज से दुनिया कैसी थी सोसाइटी का परसेप्शन क्या था यानी बेसिकली टेंथ टू सेवनटीन सेंचुरी तक इसके बाद थीम सिक्स में भक्ति सूफी ट्रेडिशन है जिसमें ऑफ कोर्स भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स पर बात की जाएगी और चेंजेस इन रिलीजियस बिलीफ एंड डिवोशनल टेक्स्ट तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं इसके बाद थीम सेवन में इंपीरियल कैपिटल यानी विजयनगर एम्पायर के बारे में बात करेंगे ये सिविल सर्विसेज के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है हर साल विजयनगर एम्पायर से घुमा फिरा करके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा इसके बाद थीम एट है जिसमें पीजेंट्स जमींदार इन स्टेट यानी बेसिकली ज़मींदारी सिस्टम महलवारी सिस्टम इन पर हम बात करेंगे थीम नाइन में किंग्स एंड क्रॉनिकल्स है यानी मुगल कोर्ट है जो कि हमारा सिक्सटी से लेकर सेवनटीन सेंचुरी का टाइम पीरियड देखने को मिलता है अप्रोक्सीमेटली और इसके बाद पार्ट थ्री आएगी पार्ट थ्री में थीम टेन देखेंगे यानी कॉलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड ऑफिशियल तो आर्काइव्स को एक्सप्लोर करेंगे कि ऑफिशियल आर्काइव्स क्या कहती हैं इसके बाद रेबल्स एंड राजनी एटीन फिफ्टी सेवन के रिवोल्ट वाला चैप्टर थीम टूल्व में कॉलोनियल सिटीज़ देखने को मिलेंगी किस तरीके से अर्बनाइजेशन हुआ प्लानिंग कैसी रही आर्किटेक्चर क्या रहा और इसके बाद महात्मा गांधी एंड द नेशनल मूवमेंट यानी मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक और थीम फोर्टीन में पार्टीशन को समझना है कि पार्टीशन क्यों हुआ और क्या क्या रीजन्स बने और इसके बाद किस इस तरीके से चेंजेस देखने को मिले और इसके बाद थीम फिफ्टीन है जो कि हमारा आखिरी आखिरी पार्ट का आखिरी चैप्टर है और इस थीम फिफ्टीन में हम फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन पर बात करेंगे ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है दोस्तों हमारा तरीका वही होगा जैसा कि हम करते आ रहे हैं पहले चैप्टर को कवर तो करेंगे और इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी आए उसे कवर करेंगे लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक है जो हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है यहाँ पे जैसे हरपन सिविलाइजेशन वाला इसे मैंने पी सीरीज़ में कवर किया तो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो एक साथ आपको उसी वीडियो में मिल जाएंगे तो दोबारा उसे करने की नीड नहीं रहेगी बट इसमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलेंगे डेफिनेटली और अगर आप सी या एन वगैरह के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं सी के लिए डिफेंस एग्जाम जो यू के द्वारा आयोजित किए जाते हैं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा और सिविल सर्विस में भी क्वेश्चन आते हैं मैं आपको बताऊँगा कहाँ से क्वेश्चन ए हुए हैं तो इस लेक्चर को आप ध्यान से फॉलो करिए और आपको कैसे कवर करना है इस वीडियो के एंड होने के बाद आपको हिस्ट्री प्ले में जाना है अगेन लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वहाँ पर जा के आपको इसी टॉपिक पर यानी हरपन सिविलाइजेशन पर जो मैंने वीडियो बनाई है आई थिंक अराउंड फिफ्टी टू सेवेंटी क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है यू के ही हाँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं तो एक एक करके आप क्वेश्चन खुद से सॉल्व करिए वीडियो को पोस्ट करके और इसके बाद मेरी सॉल्यूशन सुनिए तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी और ये पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा बिकॉज देखिए प्लेलिस्ट जो है हमारी की हिस्ट्री के लिए तो उसमें तो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस किया है नो no डाउट और कॉन्सेप्ट भी पहले डिस्कस किए बट इसमें कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलेगी और इसके बाद आप उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाले वीडियोज को देखेंगे तो काफी अच्छे से आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी तो ब्रिक बीड्स और बोन्स का मतलब क्या होता है ब्रिक का मतलब आपको पता है ईंटें और बीड्स को मनका बोलते हैं हिंदी में इमेज दिखाता हूं मैं आपको और बोन्स का मतलब तो पता ही है तो इस तरीके से पत्थर या कोई मेटल्स को पिरो करके जो माला बनाई जाती है वो मनका कहलाती है यानी बीड्स दोस्तों इस फिगर वन पॉइंट वन को देखिए ये एक हरप्पन सील है काफी इंपॉर्टेंट है इस सील को ध्यान से ऑब्जर्व करिए क्योंकि बहुत सारी बातें यहां पे आपको समझने को मिलेंगी तो ये सबसे डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट माना जाता है हड़प्पन या इंडस वैली सिविलाइजेशन का और ये स्टेटाइट का बना है देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो स्टोन है वो मेनली किस चीज़ के बने होते हैं सील्स वगैरह तो ये स्टेटाइट के बने हैं और ये जो सील है इस तरीके का इनमें जनरली एनिमल मोटिफ देखने को मिलता है यानी बेसिकली एनिमल को एनिमल या इसी किसी तरह के अन्य क्रीचर को बनाने का प्रयास किया जाता है और एक स्क्रिप्ट भी देखने को मिलती है और जैसा कि हमें पता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है वो अनडिसाइफर्ड है मतलब अभी तक डीकोड नहीं की गई हैं और आपको बताना है कि किस मेथड का प्रयोग करके हड़प्पा सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट लिखी गई हैं काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका आंसर आप करिए आई थिंक ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली वीडियो देखेंगे तो वहां पे ये क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेगा लेकिन फिर भी हमें बहुत सारी बातें पता चलती हैं लोगों के जीवन के बारे में बिकॉज़ वो काफ़ी सारी जो चीज़ें छोड़ के गए हैं जैसे हाउसेज़ पोर्ट्स ऑर्नामेंट टूल सील इन सब चीज़ों के यानी आर्क्योलॉजिकल एविडेंस के आधार पर हम हमें काफ़ी कुछ आइडिया मिल चुका है कि उस टाइम के लोगों का जीवन कैसा होता था तो ना हम लोग यही बात करेंगे कि हम हर सिविलाइजेशन के बारे में क्या जानते हैं और हमारा सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है यानी इन चीज़ों को हम किस आधार पर कह सकते हैं और यहाँ पे यह भी बात करेंगे कि जो आर्कियोलॉजिकल मेटल है देखिए आर्कियोलॉजिकल मटेरियल क्या होता है बेसिकली जब खुदाई या अन्वेषण के दौरान जो चीज़ें प्राप्त की जाती हैं वो आर्क्योलॉजिकल मेटीरियल होती हैं तो उनके आधार पर हम समझेंगे कि इस टाइम की सोसाइटी क्या थी या लोग किन किन चीज़ों का प्रयोग करते थे और सिविलाइजेशन के कई सारे आस्पेक्ट होते हैं जो हमारे हमारे लिए काफ़ी सारे भी है, लेकिन जितने भी हमें प्राप्त है उनके आधार पर हम बात करेंगे तो जैसा कि आपको पता है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है इसे हरप्पन कल्चर या हरप्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है तो जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं आर्कियोलॉजिस्ट का मतलब पुरातात्ववेद्या यानी जो पुरातात्विक सर्वेक्षण करते हैं बेसिकली आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के आधार पर तथ्यों को प्रस्तुत करते हैं वो आर्कियोलॉजिस्ट कहलाते हैं तो आर्कियोलॉजिस्ट कल्चर टर्म का यूज़ कहाँ पे कर रहे हैं इस कंटेक्स्ट में अगर हम देखें तो एक ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट की बात की जाती है जो अपने स्टाइल में डिस्टिंक्टिव है यानी किसी खास प्रकार के हैं जैसे हरप्पन के केस में हम बात करें हरप्पन के टाइम पर एग्जाम्पल अगर देखें तो जो बीड्स या जो सील्स देखने को मिल रहे हैं वो एक तरह के हैं ओके okay. और इनका जो बनाने का तरीका है उनसे देख करके भी लगता है कि एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो किया जाता होगा तो वही बताया गया है कि जो फाउंड किया गया हो एक स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया में और पीरियड ऑफ टाइम में कहने का मतलब क्या है देखिए ये मान लीजिए कोई आर्क्योलॉजिकल एविडेंस निकला अब जैसा कि आपको पता है कि ये जो जो भी आर्क्योलॉजिकल एविडेंस निकलेंगे उसे हम लोग हिस्टोरिकल डेटिंग कर सकते हैं यानी एक अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किस टाइम पीरियड का होगा बहुत सारे मेथड है कार्बन फोर्टीन का नाम आपने सुना होगा तो उसके आधार पर जब अंदाजा लगाया जाएगा कि ये किस टाइम पीरियड का होगा और भी जो बाकी सारे आर्टिफैक्ट्स हैं या जो एविडेंसेस हैं उनको देखा जाएगा तो एक ओवरऑल पीरियड ऑफ टाइम सेम देखने को मिलेगा कहने का मतलब ये है कि एक जगह पर खुदाई की और कोई सामान निकला वो सिक्स सेंचुरी का है और दूसरा जो सामान है वो मान लीजिए फिफ्टीन सेंचुरी का ऐसा नहीं देखने को मिलेगा ओके तब वो सिविलाइजेशन नहीं कहलाएगा बेसिकली हिस्टोरिकल कंटेक्स में हम देखें तो वैसे सिविलाइजेशन का मतलब तो कुछ और होता है लेकिन यहाँ पर हम बात करें हरपन कल्चर का बेसिकली अर्थ क्या है तो आई होप आपको आइडिया मिल गया होगा कि यहाँ पे जो सील्स बीड्स वेट स्टोन ब्लेड्स ये जो भी चीज़ें देखने को मिल रही हैं इनका इनमें दो बातें आपको ध्यान रखनी है कि पहला तो ये कि इनका जो जोग्राफिकल जो एरिया है वो स्पेसिफिक है यानी एक खास जोग्राफिकल एरिया में ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं और दूसरी बात तो ये है कि इनका जो पीरियड ऑफ टाइम है वो भी सेम देखने को मिल रहा है और दोस्तों यहाँ पे जो सबसे पहली साइट देखी गई थी वो हरप्पा थी इस कारण से हरप्पन सिविलाइजेशन या हरप्पन कल्चर भी कहा जाता है तो अब नाव बात करते हैं कि इस सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड क्या था तो देखिए यहाँ पे एन के अकॉर्डिंग 2600 से 1900 हंड्रेड तक देखने को मिल रहा है ऑफ कोर्स यहाँ पे जो अलग अलग इतिहासकार हैं अलग अलग जो हिस्टोरियन हैं उनमें थोड़ा मतभेद इस विचार को देख इस विचार में देखने को मिलता है कि एग्जैक्ट टाइम पीरियड क्या रहा होगा और कई सारे आप एंड बुक में देखेंगे तो कुछ इतिहासकार यहाँ पे सबसे परफेक्ट टाइमिंग बताते हैं कि 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक देखने को मिला होगा लेकिन यहाँ पे तो यही आपको एक आइडिया लेकर के चलना है कि ट्वेंटी सिक्स हंड्रेड या ट्वेंटी फाइव हंड्रेड आप कह लें से लेकर नाइन्टीन हंड्रेड या नाइन्टीन हंड्रेड के बाद एटीन हंड्रेड बिकॉज देखिए अचानक से सेटलमेंट गायब नहीं होंगी धीरे धीरे जो अवशेष हैं वो कम देखने को मिलने लगे जो सभ्यताएँ हैं वो मतलब आप नगर खाली होने लगें तो इसे हम लोग समझेंगे बेसिकली दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करेंगे हरप्पन कल्चर को पहला तो ये है कि जो ईयरली हरप्पन कहलाएगा और दूसरा लेट हरप्पन लेट हरप्पन या मेच्योर हरप्पन आप कह सकते हैं तो ये हरप्पन सिविलाइजेशन की बीड्स हैं वेट्स हैं ब्लेड्स हैं इनकी इमेजेस आप देख सकते हैं दोस्तों नाव हम लोग आ चुके हैं मैप पर और एंशियट हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है मैप बिकॉज काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ पे जोग्राफिकल बेसिस पर पूछे जाएंगे और अगर आपको मैप में अच्छी पकड़ है तो काफ़ी सारे क्वेश्चन आप ऐसे ही कर सकते हैं नाव इस मैप को कैसे तैयार करना है आपको ध्यान दीजिए सबसे पहले तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि इन मैप में जो सबसे ज़्यादा ईस्टर्न मोस्ट साइट कौन सा है वेस्टर्न मोस्ट मोस्ट साइट कौन सा है क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं इसके बाद कुछ क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो मोहनजोदारो और कोट डी देखने को मिलेगा तो बहुत बार पूछ लिया जाता है कि मोहनजोदारो के सामने सबसे सामने कौन सी साइड देखने को मिलेगी या चंदड़ों के सामने तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है ठीक है और ओब्वियसली यहाँ पे एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये कि कौन सी साइड्स पाकिस्तान में देखने को मिलेंगी और कौन सी इंडिया में और इंडिया में भी जब हम बात करें पर्टिकुलरली तो स्टेट भी आपको पता होना चाहिए जैसे राखीगढ़ी हरियाणा और ओवरऑल सबसे बड़ा इंडस वैली साइड देखने को मिलेगा इसके बाद बनवाली और का बनवाली और कालीबंगन जो है वो राजस्थान में देखने को मिलेंगे ओके और यहाँ पे अगर हम गुजरात में देखें तो रंगपुर है लोथल है धोलावीरा काफ़ी फेमस साइट है नागेश्वर है तो ये सब साइट्स के नाम आपको पता होना चाहिए और किस स्टेट में है ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए और यहाँ पर जम्मू कश्मीर में मांडा देखने को मिलेगा दोस्तों यहाँ पे एक आंकड़ा दिया गया है इस पर ध्यान दीजिए हालांकि ये आपको ध्यान नहीं रखना है बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है कभी भी पूछा नहीं जाएगा आपसे बट इसे ऑब्जर्व करिए देखिए टोटल नंबर ऑफ साइट्स बताया गया है सिंध में 106 और चोलिस्तान में 239 लेकिन ईयरली हरप्पन साइट्स में अगर आप देखें तो ये घट करके फिफ्टी हो गए हैं और यहाँ पर थर्टी सेवन मेच्योर हरप्पन साइट्स में इनकी सेटलमेंट्स की संख्या थोड़ी बढ़ी है और इसके बाद अगेन न्यू साइट्स में फिर घट गई हैं और अगर एबंडेंट साइट्स में देखें तो ये काफ़ी कम हो चुके हैं तो यहाँ पर एक पैटर्न आपको देखने मिलेगा कि मतलब जो सेटलमेंट्स हैं वो धीरे धीरे बढ़े हैं बट जब एंड आ गया यानी जब होने लगे साइट्स साइट्स खाली होने लगे तो इनकी संख्या काफ़ी घट गई नव बात करते हैं बिगिनिंग की किस तरीके से, से, से सेटलमेंट्स से शुरू हुए तो देखिए कई सारे आर्कियोलॉजिकल कल्चर्स के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो मेच्योर हरप्पन से पहले भी आर्कियोलॉजिकल कल्चर्स देखने को मिलते हैं अब ये जो कल्चर हैं ये एसोसिएटेड हैं डिस्टिंक्टिव पॉटरी से या एग्रीकल्चर के एविडेंस से पेस्टोलिजम से इन चीज़ों से या फिर कुछ क्राफ्ट से इसका मतलब क्या है देखिए इसका मतलब ये है कि जो मेच्योर हरप्पन फेज शुरू हुआ उससे पहले भी आर्कियोलॉजिकल कल्चर्स के अकॉर्डिंग देखने को मिलता है कि जो सेटलमेंट है वो शुरू हो गया होगा लेकिन यहाँ पे जो सेटलमेंट है वो काफ़ी स्मॉल थे और कोई लार्ज बिल्डिंग देखने को नहीं मिलती क्योंकि सेटलमेंट की शुरुआत है तो चीज़ें उतनी डेवलप रूप से देखने को नहीं मिलेंगी और एक बात और यहाँ पे ध्यान रखिए कि एक ब्रेक देखने को मिलता है यरली हरप्पन और हरप्पन सिविलाइजेशन के बीच यानी बीच में जो टाइम पीरियड है उनमें काफ़ी चीज़ें चेंजेस देखने को मिलती हैं और क्योंकि अचानक से जब टाइम पीरियड बदल बदला गया तो सेटलमेंट के अकॉर्डिंग देखने को मिलने लगा कि जो लार्ज स्केल बर्निंग है या कुछ कुछ साइट्स में या सर्टेन सेटलमेंट्स आबंधन भी हुए हैं तो इससे पता चलता है कि एक ब्रेक देखने को मिला होगा ईयरली हरप्पन और हरप्पन हर सिविलाइजेशन के बीच दोस्तों ना बात करते हैं कि यरली हरप्पन फेज में जो सब्सिस्टेंस स्ट्रेटजीज हैं वो किस तरीके की होंगी तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो ये जो कल्चर्स हैं इर्ली फेज़ में जो कल्चर्स हैं उनमें कुछ कॉमन एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं सब्सिस्टेंस स्ट्रेटजीज़ में यानी जो जीवन निर्वाह करना है उनमें जो तकनीकें हैं जो स्ट्रेटजीज हैं उनमें कुछ कॉमन एलिमेंट देखने को मिलता है जैसे अगर आप बात करें हरप्पन की तो हरप्पन के भोजन में काफ़ी वाइड रेंज ऑफ प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्ट देखने को मिलता है जिन जिनमें फीस भी इंक्लूडेड है आर्क्योलॉजिस्ट एबल टू रिकंस्ट्रक्ट डाइट्री प्रैक्टिसज फ्रॉम फाइंड्स ऑफ चाइल्ड ग्रेन्स एंड सीड्स

अगला पॉइंट यहाँ पे ये ध्यान रखिए कि जो एनिमल बोन से हरपन साइट में इनमें कौन कौन से गैडल देखने को मिलते हैं सीप गॉड बफेलो पिग ठीक है दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए प्रॉब्लम कहाँ आती है ये ओल्ड एनसीईआरटी है आर एस शर्मा की एनशियंट इंडिया का हड़पन वाला चैप्टर है तो यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे हमने समझा कि जो फूड है वो किस तरह की थी इंडस पीपल की जैसे वीट बार्ले पीज ये सब तो हमने डिस्कस किया ही और वीट और बार्ले के और भी कुछ टाइप देखने को मिलते हैं लेकिन यहाँ पे जब हमने डोमेस्टिकेशन की बात की तो हरपन्स के द्वारा एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया जाता था डेफिनेटली और एनिमल्स काफ़ी बड़ी मात्रा में रखे जाते थे जिनमें ऑक्सीजन बफेलो गॉड सी पिक्स ये चीज़ें डोमेस्टिकेट की जाती थी बुल्स भी देखने को मिलता था अगर ये क्लियरली विजिबल नहीं है तो कोई बात नहीं इसकी जो ओल्ड एनसी ओल्ड एडिशन आती है वो उतनी क्लियरली विजिबल नहीं है बट यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है देखिए यहाँ पे एसेज कैमल्स ये सब चीज़ें भी थी और इसके बाद एविडेंस ऑफ द हॉर्स कम फ्रॉम अ सुपरफिशियल लेवल ऑफ मोहनजदारो एंड फ्रॉम अ डाउटफुल टेराकोटा फिगरीन फ्रॉम लोथल यानी हॉर्स के भी एविडेंस देखने को मिलते हैं मोहनजदारो से और लोथल से और आगे पढ़िए द रिमेन्स ऑफ द हॉर्स हैव बीन रिपोर्टेड फ्रॉम सुर जो कि सिचुएटेड है गुजरात के वेस्ट में और 2000 थाउजेंड बी सी में बिलोंग करती है बट इट इज़ क्लियर दैट दिस एनिमल वाज नॉट इन रेगुलर यूज इन हरप्पन टाइम्स बहुत ध्यान से इस पॉइंट को समझिए कि हॉर्स के रिमेंस तो देखने को मिलते हैं लेकिन हॉर्स का डोमेस्टिकेशन नहीं किया जाता डोमेस्टिकेशन का मतलब यह है कि डे टू डे लाइफ यूजेज़ में जिस तरीके से ऑक्सीजन और बाकी चीज़ों का यूज़ किया जा रहा है उस तरीके से हॉर्स का यूज़ नहीं किया जाता था हॉर्स के रिमेंस देखने को मिलते हैं यानी हॉर्स एग्जिस्ट तो करते हैं लेकिन उनका डोमेस्टिकेशन नहीं किया जाता था अब ये पॉइंट आपको न्यू वाली एन में मिसिंग मिलेगी और ये मैं क्यों बता रहा हूँ अभी यहाँ पर देखिए तो ये जो क्वेश्चन है ये सिविल सर्विसेज का है 2017 का इस क्वेश्चन को पहले समझिए फिर इसे आंसर करने का प्रयास करिए देखिए यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि ऋग्वेदिक आर्यन और इंडस वैली पीपल के कल्चर में कौन कौन सी डिफरेंसेस देखने को मिलती हैं तो तीन पॉइंट हैं और इसके बेसिस पे आपको आंसर करना है पहले में कहा जा रहा है कि जो ऋग्वेदिक आयरन है ये कोट ऑफ मेल और हेलमेट का यूज़ करते थे वार यानी युद्ध के दौरान जबकि इंडस वैली पीपल आ, इंडस वैली सिविलाइजेशन के पीपल ऐसा कुछ यूज़ करते हो इसका कोई एविडेंस देखने को नहीं मिलता यानी बेसिकली ये हेलमेट का यूज़ करते थे ऋग्वेदिक आयन लेकिन इंडस वैली के लोग नहीं करते थे दूसरे में कहा जा रहा है कि जो ऋग्वेदिक आयरन है इन्हें गोल्ड सिल्वर और कॉपर के बारे में पता था जबकि इंडस वैली के लोगों को केवल कॉपर और आयरन के बारे में पता था ध्यान दीजिए ओनली कॉपर एंड आयरन कहा जा रहा है और तीसरे में कहा जा रहा है कि जो ऋग्वेदिक आयरन है इन्होंने डोमेस्टिकेट किया था हॉर्स को जबकि इंडस वैली पीपल के द्वारा हैविंग बीन अवेयर ऑफ दिस एनिमल यानी इंडस वैली पीपल इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग हैं वो इस जानवर के बारे में अवेयर भी नहीं थे ऐसा देखने को मिलता है तो आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं तो ऑप्शन ये है वन ओनली टू एंड थ्री ओनली वन एंड थ्री ओनली वन टू एंड थ्री वीडियो को पोस्ट करके आप टाइम लीजिए और इसका आंसर सोचिए अगेन मैं स्टेटमेंट्स को स्क्रीन पे रख दे रहा हूं यहां पे ऐसे आप पढ़ सकते हैं तो थर्ड स्टेटमेंट पे ध्यान दीजिए क्या कहा जा रहा है कि इंडस वैली पीपल अवेयर भी नहीं थे इस जानवर के बारे में तो हमें हमने अभी देखा कि सुरकोटदा इट्स एक साइट है नाउ मैप पे चलते हैं यहां पे मैप में ध्यान दीजिए ये देखिए गुजरात है गुजरात में यहाँ पे देसलपुर देखने को मिलेगा नाम ध्यान में रखिएगा बहुत बार सिविल से में क्वेश्चन पूछा गया है हरपन साइट के बारे में दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि ये हरपन साइट था या नहीं यहाँ पे देखिए ये सुरकोटदा है तो सुरकोटदा में हॉर्स रिमेन्स देखने को मिलते हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डोमेस्टिकेशन किया जाता हो बहुत कम मात्रा में देखने को मिलते हैं लेकिन एग्जिस्ट तो करते थे ये बात अब बिल्कुल कंफर्म होती है और हमने ओल्ड एन के रेफरेंस में भी पढ़ा कि ये बात बिल्कुल सही है कि हॉर्स के रिमेंस देखने को मिलते हैं सुरकोटदा से तो ये धोलावीरा के पास में ही है ये आप देख सकते हैं और लोथल है रंगपुर है ये सब नाम्स आपको ध्यान होने चाहिए तो चूंकि यहाँ पे कह दिया गया है कि इंडस वैली के लोग अवेयर ही नहीं थे इस जानवर के बारे में तो ये तो बात गलत है बिकॉज यहाँ पे रिमेंस देखने को मिल रहे हैं तो थर्ड स्टेटमेंट गलत है देखिए बी में भी थर्ड है सी में भी थर्ड है डी में भी थर्ड है हमारा आंसर क्या बचता है ऑप्शन ए वन ओनली और ये चीज़ हमने रेफरेंस कहाँ पे देखी एस शर्मा में अगर आप इस बुक के अलावा कोई और बुक देखेंगे तो डायरेक्टली ये सुरकोटदा के बारे में आई एम नॉट श्योर कि मैंसन होगा बट अगर आप अच्छे से कवर करेंगे साइट्स के बारे में ऑब्वियसली ओल्ड एन में तो है ही तो आपको ध्यान आ जाएगा कि नहीं सुर कोटदा में रिमेंस देखने को मिले बट यहाँ तो कह दिया जा रहा है कि लोग अवेयर ही नहीं थे लोगों को पता ही नहीं था के बारे में तो काफ़ी ज़्यादा एजिग्रेशन है इसलिए ये गलत हो जाता है हमारे एक ही आंसर बचता है ऑप्शन ए वन ओनली सेकेंड क्यों गलत है फिर फर्स्ट तो खैर सही है और ऋग्वैदिक आयरन अभी हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं बट ये मैंने ऑलरेडी कवर किया है वैदिक सिविलाइजेशन में अभी आप प्लेलिस्ट में जा करके चेक करेंगे तो ये सभी क्वेश्चन हमने कवर किए हैं तो उन्हें भी आप जरूर देखें तो सेकेंड क्यों गलत है वो पहले देख लेते हैं यहाँ पे कहा गया है कि गोल्ड सिल्वर कॉपर के बारे में पता था लेकिन इंडस वैली के लोगों को कॉपर आयरन नहीं बिल्कुल नहीं आयरन के बारे में नहीं पता था तो इस वजह से ये सेकंड गलत हो जाता है और फर्स्ट में क्या कहा गया है कि कोर्ट ऑफ मेल हाँ तो ये भी आर एस शर्मा में आर एस शर्मा का रेफरेंस आप पढ़ सकते हैं ये चीज़ वहाँ पर बताई गई है तो यहाँ पे मैं कोई भी पॉइंट मिस नहीं करने वाला हूँ भले ही मुझे कितनी भी बुक्स यहाँ पे या कोई भी एक्स्ट्रा पॉइंट कवर करना पड़े बट मेरा पर्पज़ ये है कि आप इस लेक्चर्स इन लेक्चर्स को कवर करने के बाद आपको कोई दूसरा सोर्स फिर दोबारा ना कवर करना पड़े बिकॉज इससे काफ़ी वक्त ज़ाया होगा और आप प्रॉपर रिविज़न भी नहीं कर पाएंगे नाव यहाँ पर एक दो बातें और ध्यान रखिए ये ध्यान रखना है कि एलिफेंट्स के बारे में भी हरप्पन को पता था कल को ऐसा स्टेटमेंट बन करके के आए सिविल सर्विस में कि एलिफेंट्स के बारे में अनअवेयर थे तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी एलिफेंट के बारे में पता था और यहां पे अगेन राइनोसोरस के बारे में भी ये एक्वेंटेड थे यानी परिचित है और उस टाइम की जो कंटेम्पररी यानी जो समकालीन कंटेम्प्ररी का मतलब होता है जो एक ही टाइम पे प्रेजेंट होती हैं तो कंटम्प्रेरी सुमेरियन सिविलाइजेशन जो मेसोपोटामिया थी उसमें भी देखने को मिलता है इसी तरीके का फूड ग्रेन्स और इसी तरीके का जानवरों का डोमेस्टिकेशन तो ये भी एक रीज़न रहा होगा इस बात को बताने में कि ये जो सिविलाइजेशन से ये कंटम्पररी है बट द हरप्पन पीपल इन गुजरात प्रोड्यूस राइस एंड डोमेस्टिकेटेड एलिफेंट्स विच वाज नोट द केस विद द पीपल ऑफ मेसोपोटामियन तो यहाँ पर राइस और एलिफेंट की डोमेस्टिकेशन मेसोपोटामिया में नहीं देखने को मिलती बट गुजरात में देखने को मिलती है जो कि उस टाइम पर हरप्पन साइड था दोस्तों अगेन वही बात है बहुत लोग बार बार पूछते हैं सोर्सेज के बारे में तो मैं यही कहूंगा कि कोई भी सोर्स जो आपको सभी तरह के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवाने में हेल्प कर रहा है तो वो सोर्स आपके लिए अच्छा है और अगर आप उस सोर्स को पूरा कवर कर रहे हैं बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में उनसे कुछ सॉल्व नहीं हो रहा तो वो सोर्स कम्प्लीट नहीं माना जाएगा तो कोई भी बुक कम्प्लीट कंप्लीट नहीं है यू के परस्पेक्टिव से अगर आप देखें तो लेकिन आपको इस तरीके से समझना पड़ेगा कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ट्रेंड के अकॉर्डिंग पता कर पाएँ कि कौन सी बात हमें कहाँ से कवर करनी है तो इन वीडियो में सब कुछ कंप्लीट होगा इसके अलावा आपको कोई अलग से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी हिस्ट्री सेक्शन के लिए उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इसी के बाद आप जो मैंने प्लेलिस्ट आपको बताई हिस्ट्री पी वाई क्यू सीरीज़ की उसे ज़रूर कवर कर लें बिकॉज इसी चैप्टर के काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे धन्यवाद